त्योहारों का मौसम होता है तो राजधानी दिल्ली में जो सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है वो मिलती है दिल्ली के बाजारों में और उसके बाद रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को, जो काम करने राजधानी दिल्ली आए हैं वो अपने घरों को वापस लौटते हैं। अब दिवाली के मौसम में सबसे ज्यादा भीड़ लगती है। इस वक्त हम लोग आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर मौजूद है और आप देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर ये अस्थाई टेंट बनाया गया है, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, हर एक ट्रेन में बड़ी बड़ी वेटिंग्स चल रही होती हैं, ऐसे में लोगों की भीड़ जब पहुंचती है तो उन्हें ज्यादा दिक्कत ना हो, तो ये देखिए ये एक अस्थाई टेंट लगाया गया है जिसपे बाकायदा कारपेट बिछाया गया है, हेल्प डेस्क बनाई जाती है जिसमें जिसकी ट्रेन लेट हो या कुछ लोग जो पहले आ जाते हैं तो उन्हें दिक्कत ना हो वो यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर इंतजार कर सके। आप देखिए लोग अलग अलग लोग यहाँ पर बैठे हुए, हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कहाँ जाने के लिए। कहाँ जाना आप? मऊ जंक्शन। मऊ कौन सी ट्रेन है आप? मऊ आनंद विहार। कितने बजे? 5:40। और कब आ गए आप? आ गए मैं 12 बजे। इतना पहले ही क्यों आ गए? इतनी भीड़ है, पहले आना पड़ा। टिकट हो चुका है आपका? हाँ कन्फर्म है, टिकट कन्फर्म है। तो देखिए इनका टिकट तो कन्फर्म है लेकिन भीड़ बहुत है इसलिए ये पहले आ गए। क्या नाम है आपका? फौजदार पांडे सर। कहाँ के रहने वाले? हम मनकापुर गोंडा। तो यहाँ दिल्ली काम करते हैं? नहीं दिल्ली हम काम नहीं करते, अपने बिटिया का इलाज कराने के लिए हम समय आए थे। तो अभी जाने के लिए कितने बजे ट्रेन है? 5:30 पे सत्याग्रह में। इतनी पहले ही? अब चले आए, पहले चले आए भीड़ की वजह से। भीड़ की वजह से? तो आप देखिए भीड़ की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले चले आए हैं, कोई अपने काम से आया है, कोई दूसरे, कोई रहता यहाँ है, अपने घर वापस जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो त्योहार के मौसम में वापस लौटते हैं और यही वजह है कि त्योहारों पर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचती है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।